जहां एहसास होता है कि मनुष्यता के नाते से जो मानव जीवन के मूल गुणों को संयोजित करते हुए जिन गुणों के आधार पर इस धरती पर हमारी सभ्यता को जाना जाएगा, सनातन संस्कृति को पहचाना जाएगा, तो ये कला उसमें सबसे प्रमुख स्थान पर रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सब कला साधकों को बधाई। और ये जो नृत्य आराधना है मूलतः परमात्मा की साधना का भी एक मार्ग है, ये महादेव की साधना का मार्ग है। ये कोई हमारे आनंद का आनंद तो आता ही है भगवान की साधना में, लेकिन मूल रूप से ईश्वर से सीधा संपर्क लाने का, नृत्य के माध्यम से भगवान की आराधना करने का ये पवित्र मार्ग है। उस पवित्र मार्ग के ऊपर आप सब चल करके परमात्मा की साधना कर रहे हैं। मैं आपके उस अंदर के भाव को समझ सकता हूँ, और अंदर के भाव को चूंकि मैं महाकाल की नगरी से भी आता हूं, हम सबका सौभाग्य खजुराहो से महाकाल तक, और महाकाल से सोमनाथ तक, और सोमनाथ से बाबा विश्वनाथ तक, ये 12 ही ज्योतिर्लिंग हमारी शैव संप्रदाय की विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण विरासत हम सबको परमात्मा की तरफ ले जाती है। और अपन हमने सबने देखा ये बाबा महाकाल के महालोक के अंदर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के, भगवान के मूर्तियों का जो प्रदर्शन वहां किया गया, भगवान ने दो प्रकार के नृत्य किए। एक तो हम सब जानते हैं जो नृत्यों का प्रथम नृत्य है तांडव नृत्य, लेकिन भगवान जब आनंद में डूबे तो आनंद नृत्य का भी वहां विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, 108 प्रकार की मुद्राओं का सुंदर अलग अलग प्रकार का वहां पर अंकन किया गया। और आनंद के भी अलग अलग मुद्राओं के कैसे आनंद आ सकते हैं, मैं आपके कला गुरु को भी बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से आप सबने उनके अपनी अथक परिश्रम के माध्यम से धूप में, कष्ट में, परेशानी में, लेकिन आप सबका जो उद्देश्य था इस कला कुंभ के माध्यम से, नृत्य कुंभ को आपने एक तरह से विश्व का एक विरासत बना दिया, मेरी अपनी ओर से बधाई। लेकिन मैं चाहूंगा कि खजुराहो में आज के इस अवसर पर ये नृत्य का महाकुंभ जब आपने आयोजित किया है, तो ये विरासत आदिकाल से अलग प्रकार की थी, और हम उम्मीद करते हैं आज के काल में यहाँ पर एक ऐसा गुरुकुल बनाया जाएगा जहाँ कला, संगीत, साहित्य, नृत्य सभी प्रकार की कलाओं का संयोजन करते हुए स्थायी रूप से उस गुरुकुल में सभी योग्य सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से गुरु, अब हमने तो कुलपतियों का नाम भी बदल दिया सरकार ने, उनको भी कहा कि कुलपति नहीं कुलगुरु कहा जाएगा, तो उस कुलगुरु की उपस्थिति में आपके इस संस्थान में सभी प्रकार की कलाओं का, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, अगर ये हम सारा दूर से संयोजित करते तो शिक्षा का इतना विस्तृत हमारा अतीत है। ऐसे में ये 64 कलाओं की, विभिन्न कलाओं के माध्यम से संसार हमसे परिचय पाए, संसार में हम उनका एक तरह से ज्ञान ज्योति फैलाएं। मेरी अपनी ओर से उस गुरुकुल की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसी प्रकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा, जो कि पिछले 2 माह पहले जब मैं आया था तो संगीत सम्राट तानसेन के नाम पर ग्वालियर में एक ऐसा ही विस्तृत और बड़ा आयोजन हुआ था जिसका ट्वीट भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, एक साथ हजारों की तादाद में तबला वादकों ने अपने कला का प्रदर्शन किया था, संगीत का प्रदर्शन किया था, और आज ये नृत्य का प्रदर्शन हुआ, और नृत्य के माध्यम से आज एक अपना नया रिकॉर्ड बना है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो आज कीर्तिमान आप सब लोगों ने अर्जित किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय तक, आने वाले भविष्य को एक नया संदेश जाएगा कि हमारी जो कलाओं की जो सनातन संस्कृति है वह अक्षुण्ण रहेगी, वो परंपरा हमेशा हरी भरी रहेगी, और वो अमरबेल हमेशा फलती फूलती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लोक और जनजाति संग्रहालय आदिवर्त का अवलोकन करेंगे, और इसी के साथ पारंपरिक कलाओं पर आधारित समारोह लोकरंजन का शुभारंभ करेंगे। हमारे तमाम अतिथि कुछ ही क्षणों बाद इस हमारे मुख्य मंच पर, जो कंदरिया मंदिर है, जो हमारा खजुराहो नृत्य समारोह का जो मुख्य मंच है, वहां पर शुभारंभ की औपचारिकता होगी। हम श्रेष्ठ चित्रकारों को, कलाकारों को, शिल्पकारों को पुरस्कृत करेंगे, और उसके बाद
मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर साफ, सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 4 सीट बीजेपी के, 1 कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस की बैठक में वर्चुअली जुड़े कमलनाथ, राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों पर हुआ मंथन, छिंदवाड़ा को छोड़कर बाकी जिलों के कमलनाथ समर्थक विधायक हुए शामिल। एमपी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, पीएम उषा योजना के तहत एमपी के 8 विश्वविद्यालयों को अनुदान। बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान जारी, दमोह की जिला पंचायत के उपाध्यक्ष समेत 20 से ज्यादा कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता, नागदा जिला महामंत्री ने भी छोड़ा हाथ का साथ। झाबुआ में आदिवासियों का प्रदर्शन, पुलिस लाइन के लिए जमीन आवंटन का विरोध, कहा देवता बाबा का है स्थान, आवंटन निरस्त करने की मांग। शिवपुरी में शिकायतकर्ता ने पुलिस टीम पर किया हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल, शिकायत की जांच लिए पहुंचे थे गांव। भोपाल में सतपुड़ा भवन में फिर लगी आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। खजुराहो डांस फेस्टिवल का सीएम ने किया आगाज, 1800 से ज्यादा कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति, कथक का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल की, जिसका शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया, नगाड़ा बजाकर इसका शुभारंभ किया गया। पहले दिन 1800 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कार्यक्रम का आयोजन 26 फरवरी तक होगा। सब हजारों कला साधक, मैं आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता हूँ। नृत्य और भगवान नटराज महादेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो वस्त्रों में भगवा झलक जो दिखाई दे रही है, ये भगवान महाकाल तक पहुंचा रही है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि जब खजुराहो के हमारे देवालय जो उत्तंग शिखर आकाश से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात आकर के आज आपके नृत्य का आनंद ले रहे होंगे, उसमें साक्षी बन रहे हैं। सच में उल्लास, उत्साह, उमंग, आनंद की वर्षा हुई। हमारे यहाँ नृत्य की कई सारी विधाएं हैं, कई सारे प्रकार हैं, और नृत्य की शास्त्रीय विधा भी है, लेकिन लोक के आनंद के भी अलग से हर जगह जगह स्थान स्थान पर लोक नृत्यों का भी आनंद है। और संस्कृति मंत्रालय ने सच में आज आपके सबके माध्यम से भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका लहरा करके दुनिया के अंदर वो बुलंदी के साथ बात की है, ये इबारत वर्षों तक लोगों के लिए पाथे बनेगी, आनंद का विषय बनेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ कदम कदम पर जीवन शैली इसी प्रकार की है, जहाँ एहसास होता है कि मनुष्यता के नाते से जो मानव जीवन के मूल गुणों को संयोजित करते हुए, जिन गुणों के आधार पर इस धरती पर हमारी सभ्यता को जाना जाएगा, सनातन संस्कृति को पहचाना जाएगा, तो ये कला उसमें सबसे प्रमुख स्थान पर रहेगी। मेरी अपनी ओर से आप सब कला साधकों को बधाई। और ये जो नृत्य आराधना है, मूलतः परमात्मा की साधना का भी एक मार्ग है, ये महादेव की साधना का मार्ग है।
ये कोई हमारे आनंद का आनंद तो आता ही है भगवान की साधना में, लेकिन मूल रूप से ईश्वर से सीधा संपर्क लाने का, नृत्य के माध्यम से भगवान की आराधना करने का ये पवित्र मार्ग है। और इस पवित्र मार्ग के ऊपर आप सब चल करके परमात्मा की साधना कर रहे हैं, मैं आपके उस अंदर के भाव को समझ सकता हूँ। और अंदर के भाव को, चूंकि मैं महाकाल की नगरी से भी आता हूँ, हम सबका सौभाग्य खजुराहो से महाकाल तक, और महाकाल से सोमनाथ तक, और सोमनाथ से बाबा विश्वनाथ तक, ये 12 ही ज्योतिर्लिंग हमारी शैव संप्रदाय की विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण विरासत हम सबको परमात्मा की तरफ ले जाती है। और अपन हमने सबने देखा ये बाबा महाकाल के महालोक के अंदर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के, भगवान के मूर्तियों का जो प्रदर्शन वहाँ किया गया है। भगवान ने दो प्रकार के नृत्य किए, एक तो हम सब जानते हैं जो नृत्यों का प्रथम नृत्य है तांडव नृत्य, लेकिन भगवान जब आनंद में डूबे तो आनंद नृत्य का भी वहाँ विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, 108 प्रकार की मुद्राओं का सुंदर अलग अलग प्रकार का वहां पर अंकन किया गया। और आनंद के भी अलग अलग मुद्राओं के कैसे आनंद आ सकते हैं, मैं आपके कला गुरु को भी बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से आप सबने उनके अपने अथक परिश्रम के माध्यम से धूप में, कष्ट में, परेशानी में, लेकिन आप सबका जो उद्देश्य था। शहडोल में खनिज विभाग की टीम पर रेत माफिया के लोगों ने हमला कर दिया। बताया जाता है खनिज विभाग की बरेली गांव में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। तो अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंची थी यहां पर टीम शहडोल में, रेत माफिया के लोगों ने खनिज विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। बरेली गांव है ये, जहां पर अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम पर गांव के लोगों ने, यहां पर जो रेत माफिया के साथ मिले हुए लोग थे, उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। सौरभ पांडे हमारे सहयोगी शहडोल से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, यहां पर बेखौफ इतने हैं रेत माफिया कि ना सिर्फ अवैध रेत खनन कर रहे हैं बल्कि जो कार्रवाई करने पहुंच रही है विभागों की टीम उन पर भी हमला कर दे रहे हैं। जी हाँ, शहडोल में खनन माफियाओं का जो ये हमला है लगातार शासकीय कर्मचारियों पर जारी है। हाल ही में पटवारी हत्याकांड के बाद शहडोल में फिर से बड़ी घटना हुई है। रात में खनिज हमला एक अवैध खनन रोकने गांव में गया हुआ था, तभी खनन माफिया वहां पर पहुंचे और खनिज विभाग की टीम पर हमला करते हुए ट्रैक्टर को उनके पास से छुड़ाकर लेकर भाग गए। इस पूरी घटना की जानकारी रात में ही पुलिस को दी गई, जिसके बाद एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, वहीं 30,000 अभी फरार बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बात झाबुआ की, जहां आदिवासियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस लाइन के लिए जमीन आवंटन का विरोध, आदिवासियों ने जमीन पर बताया देवता बाबा का स्थान। कलेक्टर से की है आवंटन को निरस्त करने की मांग। कलेक्ट्रेट में काफी देर तक यह हंगामा चला है। एडीएम को आदिवासियों ने ज्ञापन सौंप दिया, प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो काफी देर तक यहां पर यह पूरा हंगामा चलता रहा झाबुआ में, जहां आदिवासी प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस लाइन के लिए जमीन आवंटन की गई है उसका विरोध कर रहे थे। आदिवासियों का कहना है कि उस जमीन पर उनके देवता बाबा का स्थान है, और ऐसे में कलेक्टर से ये मांग की कि इस जमीन आवंटन को तुरंत ही निरस्त किया जाए। मुरैना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वन विभाग अवैध कब्जे पर कार्रवाई वन विभाग ने की है। खड़ी फसल पर चलाई है जेसीबी।
वहीं उमरिया में भी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बैगा आदिवासियों के बारे में गलत ज्ञान मामले में कार्रवाई हुई है। गलत जानकारी देने वाले टीचर को सस्पेंड किया गया है। कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। टीचर ने बैगा आदिवासियों को डायनासोर का वंशज बताया था, तो इस टीचर के खिलाफ छात्रों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और अब कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं।